हेलो दोस्तों, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या आपको ये पता है कि वो क्या चीज़ है जो एक ऑर्डिनरी को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना देती है या एक मीडियोकर को अचीवर बना देती है? क्या उनके पास ज्यादा अपॉर्चुनिटी होती है या उनके पास दिन में 72 घंटे होते हैं? और ये आपको भी पता है कि हम सबके पास सिर्फ दिन में 24 घंटे ही होते हैं जिसमें हमें अपना बेस्ट देना होता है। तो फिर वो क्या चीज़ है जो उनको किसी को सक्सेसफुल बना देती है तो किसी को एक फेलियर बना देती है? तो मैं आपको बताता हूँ, वो है आपकी सेल्फ डिसिप्लिन। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये बातें मैं अपनी मर्जी से बोल रहा हूँ या बातें बनावटी है। बहुत से सक्सेसफुल लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी सक्सेस का कारण सेल्फ डिसिप्लिन को बताया है। इस वीडियो को अंत तक देखना। इस वीडियो में मैं आपको 7 तरीके बताने वाला हूँ जिसकी हेल्प से आप सेल्फ डिसिप्लिन को अचीव कर सकते हैं। बाद में आप चाहें तो मुझे कॉमेंट में लिख करके थैंक यू बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया या पहली बार इस मेरे चैनल पर आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में एक बेल का आइकन होगा, बेल के आइकन को प्रेस कर देना ताकि आने वाली लाइफ चेंजिंग वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आपसे कोई वीडियो मिस ना हो। चलिए शुरू करते हैं। सेल्फ डिसिप्लिन का पहला स्टेप है गोल सेट करना। अगर आपको पहले से पता होगा कि आपके गोल्स क्या हैं तो आप उसको हासिल करने के लिए आसानी से आगे बढ़ सकते हो। लेकिन आपको पता ही नहीं होगा अगर ये कि जाना कहाँ है तो आप किस डायरेक्शन में जाओगे, 4 तरफ रास्ते हैं, किस तरफ जाओगे आप, राइट? इसको इस तरीके से समझते हैं। सपोज कीजिए आपको कोई वैकेशन प्लान करना है, आपको एक कंट्री चूज करनी है कि आपको कहाँ जाना है। दुनिया में 196 कंट्रीज है। अगर आपको यही नहीं पता होगा कि आपको जाना कहाँ है तो आप कहाँ की टिकट बुक करोगे? ऐसा तो है नहीं कि आप 196 कंट्रीज 196 में से 196 की टिकट बुक कर लोगे। और इसके अलावा अगर आपको ये पता होगा कि आपको एक्स कंट्री में जाना है तो आप पहले से उस जगह की सारी प्लानिंग कर लोगे, ये देख लोगे कि वहाँ कौन कौन सी चीजें फेमस है, कहाँ कहाँ आप जा सकते हो। आपको अगर पहले से पता होगा डेस्टिनेशन तो उसको ना ही आप आसानी से बुक कर सकते हो, इजिली चीजें कर सकते हो, बल्कि उसको ज्यादा एंजॉयबल भी बना सकते हो। ये भी प्लान कर सकते हो क्या करना है वहाँ पे। इसी तरीके से अगर आपको पहले से गोल पता होगा तो आप उसको और भी अच्छे लेवल पे अचीव कर सकते हो। ऐसा नहीं कि बस गोल पे पहुंच गए छू लिया, उसको एक लेवल पे पहुंचाना है। जैसे कि मुझे कंपनी शुरू करनी है, अब मैंने कंपनी तो शुरू कर ली लेकिन उसको बड़ा करना है, वो कैसे करूंगा? वो उसके लिए मुझे पता होना चाहिए कि मुझे कहाँ पहुंचना है। इसको एक और एग्जांपल के साथ समझते हैं। जैसे कि आपको किसी कॉलेज में एडमिशन लेना है, आप इंजीनियरिंग के कॉलेज भी हैं, मेडिकल के कॉलेज भी हैं, लॉ के कॉलेज भी हैं, आपको यही नहीं पता आपको इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है या लॉयर बनना है, आप कौन सा कॉलेज चूज करोगे? हजारों कॉलेजेस हैं। ऐसा तो है नहीं कि आप हर कॉलेज के अंदर अपने एडमिशन फॉर्म डाल दोगे, नहीं हो सकता ऐसा, राइट? और ये लाइबल भी नहीं है, ऐसा आप कर भी नहीं सकते हो। तो आपको पहले से पता होना चाहिए कि आप क्या करना चाहते हो, क्या करने वाले हो, ताकि आप आसानी से उस चीज को, आसानी से तो खैर नहीं कहूंगा, बट उसकी तरफ जा सकते हो, उसकी तरफ कोशिश कर सकते हो। तो सेल्फ डिसिप्लिन का पहला स्टेप है कि आप गोल सेट करें पहले। दूसरा स्टेप है पॉजिटिव माइंडसेट डेवलप करना। एक बार आपने अगर गोल सेट कर लिया उसके बाद आपको अपनी सोच में वो फ्यूल लेके आना पड़ेगा जो आपको आगे बढ़ाती रहे। इस तरीके से डीजल और पेट्रोल के बिना या गैस के बिना कोई गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकती, उसी तरह बिना पॉजिटिव माइंडसेट के आप भी कुछ अचीव नहीं कर सकते हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा। अपने ऊपर डाउट, फेल होने का डर या थोड़ी सी मुश्किलों से डर के बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने गोल्स को पूरा नहीं कर पाते, अचीव नहीं कर पाते। सपोज कीजिए आपने एक नया बिजनेस शुरू किया लेकिन आपको उस बिजनेस में पहले से डाउट है, आई डोंट नो कि ये सक्सेस होगा नहीं होगा, बहुत कंपटीशन है इस मार्केट के अंदर और बहुत सारी चीजें, ठीक है? अगर आप ये सोच रहे हैं पहले से तो उसके बाद आप आगे जैसे बढ़ेंगे उसके बाद आपको अगर थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी तो आपके दिल में और दिमाग में वही बातें, नेगेटिव थॉट जो है आने लगेंगे, अच्छा मैंने तो पहले से ही सोचा था कि ये होगा, और आप धीरे धीरे करके वो काम बंद कर देंगे। तो आपको बहुत जरूरी है आगे बढ़ने के लिए कि अपने नेगेटिव थॉट्स को काबू पा लें उसके ऊपर। अब सवाल ये उठता है कि आप अपने नेगेटिव थॉट्स पर काबू पाएं कैसे? उसके लिए आपको ये समझना होगा कि वो नेगेटिव थॉट जो आपके दिमाग में आ रहे हैं उसके पीछे रीजन क्या है। क्या वो किसी आपके पास्ट एक्सपीरियंस में जो चीजें हुई हैं उसकी वजह से तो नहीं है? और अगर ऐसा ही है तो आपको वो चीजें छोड़ के आगे बढ़ना पड़ेगा, और वो जो भी पास्ट एक्सपीरियंस है, चाहे बुरा है चाहे जैसा भी है, आपको उसको फ्यूल बनाना होगा अपने आगे बढ़ने के लिए। उसको एक्सपीरियंस की तरह ट्रीट करना होगा कि ऐसा हुआ था मेरे साथ पीछे तो अब मैं ऐसा नहीं करूंगा, और वही जो पास्ट एक्सपीरियंसेस जो है आपके वो आपके लिए सफलता का आधार बनेंगे। एक बार नेगेटिव थॉट्स पे काबू पा लिया उसके बाद आपको ये देखना होगा कि आपके अंदर पॉजिटिव्स क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपको उसकी एक लिस्ट बनानी होगी। और आपको ये भी देखना होगा कि आप वो उन पॉजिटिव्स का या उन स्ट्रेंथ का यूज कैसे कर सकते हो अपने गोल्स को पूरा करने में, ठीक है? उसके अलावा आपको एक और लिस्ट बनानी पड़ेगी जिसमें आप अपने सारे बड़े या छोटे जितने भी अचीवमेंट्स आपने आज तक किए हैं उसकी लिस्ट बना करके आपको उसमें डालनी होगी। वो जो लिस्ट होगी आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बहुत बढ़ा देगी, आपको वो लिस्ट अपने ऊपर भरोसा करना सिखाएगी, और आप जितना सेल्फ कॉन्फिडेंस फील करेंगे आप उतना ही एनर्जेटिक हो जाएंगे अपने गोल्स को पूरा करने के लिए। सेल्फ डिसिप्लिन का तीसरा स्टेप है ऑर्गेनाइज योर एनवायरनमेंट, या अपने वातावरण को सही करना। कोई भी व्यक्ति बिखरे हुए वातावरण में काम पे फोकस नहीं कर सकता, इसलिए बहुत जरूरी है कि आप अपने एनवायरनमेंट को, अपने वातावरण को ठीक करें। जैसे कि आप जहाँ काम करते हैं वो एरिया क्लीन होना चाहिए, आपके कंप्यूटर में जो फोल्डर्स है वो मैनेज होना चाहिए, उनका नाम सही से रखा होना चाहिए, जिस चीज़ की आपको जरूरत नहीं है वो नहीं होना चाहिए वहाँ पे, आप उसको हटा दीजिए, जरूरत क्या है उन सब चीज़ों की।
और एक बार आपने ये सब चीजें कर ली तो आपकी प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी काफी हद तक इंक्रीज हो जाएगी। इतना ही नहीं, स्टडीज कहती है कि मैनेज्ड एनवायरनमेंट आपकी स्ट्रेस को भी बहुत हद तक कम कर देता है। आप सपोज कीजिए कि आपको एक साल पुरानी फाइल को ढूंढनी है और आपका कंप्यूटर मैनेज नहीं है, तो आपको कितना टाइम लगेगा उसको ढूंढने में, और आपके लिए कितना हैक्टिक हो जाएगा एक फाइल को, सिर्फ एक फाइल को ढूंढने में आपको पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा। इसीलिए अपने वातावरण को सही करना एक बहुत जरूरी स्टेप है सेल्फ डिसिप्लिन के लिए। सेल्फ डिसिप्लिन का चौथा स्टेप है एक रूटीन बनाना, उसको फॉलो करना। आपने देखा होगा कि बहुत से एथलीट्स कितनी स्ट्रिक्टली अपने रूटीन्स को फॉलो करते हैं, वो अंधे हो जाते हैं अपने गोल्स को पूरा करने के लिए, चाहे बारिश हो रही हो, गर्मी हो, सर्दी हो, उन्होंने जो रूटीन बनाया होता है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करते ही करते हैं। और यही एक सीक्रेट है जो एक विनर को और लूजर को डिफ्रेंशिएट करती है, विनर को विनर बना देती है और लूजर को एक मीडियोकर बना करके छोड़ देती है। लेकिन हम जब भी एक रूटीन बनाने की बात करते हैं तो हम ये सोचते हैं कि हमें अपने काम के लिए रूटीन बनाना है, उसमें रिलैक्सेशन और एंजॉयमेंट के लिए कोई जगह नहीं है। लेकिन ये बिल्कुल ही गलत है। हमें रिलैक्सेशन और एंजॉयमेंट को भी उतनी ही इंपॉर्टेंस देनी होगी जितना हम अपने काम को देते हैं, क्योंकि एंजॉयमेंट और रिलैक्सेशन के बाद ही हम अपने काम पे पूरी तरह फोकस कर पाए। रूटीन बनाने के लिए आपको एक चीज और ध्यान में रखनी होगी कि किस काम को आप कौन सा वक्त एलोकेट करते हो। जैसे कि आप ज्यादा क्रिटिकल जो काम है उसको मॉर्निंग का टाइम दे सकते हो, क्योंकि उस टाइम माइंड फ्रेश होता है और आप ज्यादा क्रिटिकली सोच सकते हो इन सब चीजों। उसके अलावा जो फन एक्टिविटी है या माइंडलेस चीजें हैं उसके लिए आप इवनिंग का टाइम एलोकेट कर सकते हो, जिससे आप काफी इजीली अपने टाइम को मैनेज कर पाओगे और सारी चीजें कर पाओगे। काम के साथ साथ एंजॉयमेंट भी उतनी ही जरूरी है, ये ध्यान में रखिए। सेल्फ डिसिप्लिन का नेक्स्ट स्टेप है पॉजिटिव हैबिट्स डेवलप करना। हैबिट्स का हमारे सक्सेस और फेलियर में बहुत बड़ा रोल होता है, और इन्हीं पॉजिटिव हैबिट्स में से एक हैबिट है शुरू किए गए काम को खत्म करना। अगर आप कोई काम शुरू करते हो लेकिन उसको खत्म नहीं करते तो वो एक तरीके से बर्डन बन जाता है हमारे दिमाग पे, और सक्सेसफुल होने के लिए बर्डन सही नहीं है। हर सक्सेसफुल व्यक्ति जो काम को शुरू करता है उसको खत्म जरूर करता है। अगर आप भी कोई काम शुरू करते हैं और उसको खत्म करते हैं तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा, और आप कभी भी कोई नया काम शुरू करने से पहले हिचकिचाओगे नहीं। अगर आपको ये पता होगा कि अगर आप कोई काम शुरू करते हो और उसको खत्म भी करोगे तो आप उस काम को ज्यादा विलवापन और एनर्जी के साथ कर सकते हो। तो बहुत जरूरी है कि आप ये हैबिट अपने अंदर जरूर डेवलप करें कि अगर आपको एक बार काम शुरू करना है तो उसको खत्म जरूर करना है। सेल्फ डिसिप्लिन का छठा स्टेप है कि आपको मोटिवेटेड रहना हो। आप जितना मोटिवेटेड रहेंगे आप उतनी ही एनर्जी से काम करेंगे। मोटिवेशन एक फ्यूल की तरह काम करेगा आपकी लाइफ में आपको सक्सेसफुल बनाने। किसी भी सफल व्यक्ति को अपने लो एनर्जी में नहीं देखा होगा, क्योंकि वो हमेशा मोटिवेटेड रहते हैं। मोटिवेटेड रहने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपनी नजर सिर्फ गोल पे रखिए, डेस्टिनेशन पे रखिए। इसे जर्नी के अंदर जो आपकी कठिनाइयां और मुश्किलें आएंगी उससे आपको लड़ने में हिम्मत मिलेगी। आपने देखा होगा कि कई लोग आईएएस और आईपीएस की प्रिपरेशन कई सालों तक करते रहते हैं और आखिरी में उसको अचीव भी कर लेते हैं। वो ऐसा किस लिए कर पाते हैं? वो ऐसा इसलिए कर पाते हैं क्योंकि उनकी नजर सिर्फ गोल पे होती है और आउटकम पे होती है, इसीलिए वो इतने सालों तक जी लगा करके मेहनत करते रहते हैं और अंत में वो सफल भी होते हैं। खुद को मोटिवेटेड रखने का एक और अच्छा तरीका है कि आप अपने आप को पॉजिटिव लोगों के बीच रखिए। पॉजिटिव लोग कभी भी दूसरों के बारे में बात नहीं करते, वो अपने सपनों के बारे में बात करते हैं और वो उसको कैसे पूरा करने वाले हैं इसके बारे में बात करते हैं। आपको उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आप भी अपने सपनों के लिए उसी तरीके से आगे बढ़ पाएंगे जिस तरीके से वो लोग सोच रहे होंगे। मैंने मोटिवेशन पे एक पूरी वीडियो बनाई है, आप चाहे तो आई के आइकन पे जाकर के क्लिक करके देख सकते हैं। सेल्फ डिसिप्लिन का आखिरी और सातवां स्टेप है आपको फेलियर से निपटना सीखना होगा। आपको अपने फेलियर्स को अपना एक एक्सपीरियंस और एक टूल बनाना होगा जो आपकी मदद करेगा आपको सफल होने। थॉमस एडिसन भी बल्ब बनाने से पहले 10,000 बार फेल हुए थे, लेकिन पूछने पर उन्होंने बताया मैं फेल नहीं हुआ, 10,000 ऐसे तरीके ढूंढ लिए हैं जिससे बल्ब नहीं बनाया जा सकता। ऐसा कोई इंसान नहीं जो कभी फेल नहीं हुआ। जैक मा जो आज इतने बड़े बिजनेसमैन है, स्कूल में कई बार फेल हुए थे। केएफसी के इंटरव्यू में 30 में से फेल होने वाले इकलौते इंसान थे। पहले बिजनेस वेंचर में भी फेल हुए, लेकिन आज दुनिया के कुछ चुनिंदा लोगों में से हैं जो हम सबको इंस्पायर कर रहे हैं। मैंने इनके ऊपर एक पूरी वीडियो बनाई है, आप चाहे तो देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो ये थे कुछ 7 स्टेप, इसको फॉलो करके आप सेल्फ डिसिप्लिन को पा सकते हैं। और मैं ये गारंटी के साथ कहता हूँ कि अगर आपने इन 7 स्टेप्स को फॉलो कर लिया तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट में हमें लिख करके बताएं कि आपको सबसे अच्छा क्या लगा। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि फ्यूचर की सभी वीडियोज आप तक पहुंच सके। अभी के लिए बाय बाय, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, स्टे मोटिवेटेड। बाय बाय।